क्लियर आ रही है आज मेरी? आ रही है। अच्छा ग्रेट, बस यही मैं जानना चाह रहा था। तो अभी आई थिंक टाइम इट्स टाइम टू स्टार्ट राइट। तो अभी देखो टाइम हो गया है, अब हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बोर्ड सबको क्लियर है? बोर्ड क्लियर है ना भाई? ठीक हाँ सर। है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलो देखो, मैं लास्ट क्लास में आपको ये बता रहा था कि हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था फोर किंगडम सिस्टम। अब हम स्टार्ट करने वाले थे आज से फाइव किंगडम सिस्टम, है ना? तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट करने वाले थे। देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फाइव किंगडम किस बेसिस पे डिफाइन किए, है ना? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे कैसे डिफाइन किया गया। तो मैंने आपको ये बताया था कि फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको देने वाला जो बंदा था ही वो वाइटेकर। तो वाइटेकर ने 1969 में एक कॉन्सेप्ट दिया, वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। अब वाइटेकर ने ये कहा कि देखो इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, तो हम सभी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेंगे। अब इन ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं किस बेसिस पे? तो उसने कहा कि सबसे पहले अगर अपन इसको डिवाइड किया जाए तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इस टाइम तक जैकेरियस जेंसन का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका था, न्यूक्लियस के बेसिस पे हम ये डिफाइन कर चुके थे कि सेल दो कैटेगरी की होती है, राइट? तो उन दो कैटेगरी की सेल्स में सबसे पहले आए प्रोकैरियोट्स। तो हमने ये कहा कि प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स वो थे जिनमें प्रो मींस ओल्ड और कैरियोट मींस न्यूक्लियस, लैटिन वर्ड है, प्रो मींस ओल्ड और कैरियोट मींस न्यूक्लियस। जिनकी न्यूक्लियस पुरानी थी, ओल्ड मॉडल थी, ओल्ड फैशन थी, उनको हमने प्रोकैरियोटिक सेल बोला, ठीक है ना? और दूसरे वो आए जिन्हें आपने कहा यूकैरियोट्स। तो उसने बोला कि सबसे पहले तो एक काम करो, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग अलग कर दो, ठीक है ना? यू मींस होता है न्यू और कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो जिनमें नई न्यूक्लियस पाई जाती थी। तो उसने बोला कि प्रोकैरियोट देखो कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं हो सकते, मेरी बात याद रखिएगा, प्रोकैरियोट कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं हो सकते। और मैं ये बात आपसे अभी इसके तुरंत बाद में आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ? बैक्टीरिया मतलब मोनेरा, राइट? मैं मोनेरा में आपसे पूछूंगा कि क्या वो मल्टी सेलर हो सकते हैं। बिलीव ऑनली, आप इस चीज को जब तक आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि मल्टी सेलर और यूनिसेलर में डिफरेंस क्या है, तब तक आप इस बात को नहीं बता पाएंगे। आप बहुत सारे एग्जाम्पल में कंफ्यूज हो जाएंगे। आई विल डिस्कस यू आफ्टर विद इन 10 मिनट, ठीक है? अभी जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये बात तब तक के लिए जान लीजिए, दिस इज द फैक्ट दैट प्रोकैरियोट नेवर कैन नेवर बी मल्टी सेलुलर। तो हमेशा प्रोकैरियोट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, उसने बोला कि एक काम करो, जो पहले से रखा हुआ था इनको जिस किंगडम में, उसी किंगडम में रखिए। तो सबसे पहले एक पहला वाला किंगडम जो था वो हुआ जाकर के आपका मोनेरा, ठीक है? तो ये मोनेरा में रखे गए, है ना? फिर उसने कहा कि अब आ जाते हैं यूकेरियोट की बात करते हैं। अब यूकेरियोट की अगर बात की जाए तो यूकेरियोट भाई साहब दो कैटेगरी के हो सकते हैं। एक तो यूकेरियोट आपके हो सकते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे हो सकते हैं मल्टी सेलुलर, राइट? मल्टी सेलुलर। तो उन्होंने कहा, वाइटेकर ने बोला कि जो यूकेरियोट है लेकिन यूनिसेलुलर है, इनको अपन एक दूसरे किंगडम में रखते हैं। इनको जिस किंगडम में रखते हैं वो हो गया, उन्होंने कहा कि ये प्रोटिस्टा ही रहेगा, तो इसको इन्होंने प्रोटिस्टा कह दिया, राइट? इसमें कौन कौन आते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना? अब आ जाते हैं मल्टी सेलर की बारी आती, तो दो किंगडम अपने बन गया। सबसे पहले वो जो प्रोकैरियोट यूनिसेलर थे उनको हमने मोनेरा में रखा, फिर जो यूकैरियोट यूनिसेलर थे उनको हमने प्रोटिस्टा किंगडम में रखा, सेकंड किंगडम वो प्रोटिस्टा, ठीक है ना? कैसे कैसे किंगडम डेवलप हुए हैं, कैसे कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ, कौन पहले आया कौन बाद में आया, मैं लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सीक्वेंस वही है कि सबसे पहले कौन आए, ठीक है ना? तो सबसे पहले प्लांट ही आए, एनिमल ही आए, लेकिन ये वाइटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, हम अभी ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? एवोल्यूशन क्या हुआ, कैसे कैसे आए हैं, वो हम लास्ट क्लास में कल डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आते हैं मल्टी सेलर में। देखिए अब मल्टी सेलर की अगर बात की जाए तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मल्टी सेलुलर में ऑल दोज ऑर्गेनिज्म हु आर यूकेरियोट्स मींस दे हैव न्यू न्यूक्लियस, बट
उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें those have cell wall, ठीक है, have cell wall. उसने कहा इसमें भी दो कैटेगरी डालो, एक वो जिनके पास cell wall है, दूसरे वो जिनमें cell wall नहीं पाई जाती है. तो those have cell wall और दूसरे वे those do not have cell wall. तो इसने कहा कि those have cell wall इसमें दो आएंगे, ठीक है ना. तो इनमें दो कौन कौन से आएंगे, सबसे पहला वो क्या है, आया हमारा थर्ड किंगडम, उसको हमने कहा फंजाई. तो फंजाई बिल्कुल सही बात है, यूकेरियोट होता है, मल्टी सेलुलर होता है और इसमें सेल वॉल भी पाई जाती है, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, नॉन ग्रीन है, ठीक है ना. तो फंजाई एक अलग किंगडम हो गया. चौथे नंबर पर आए प्लांटेई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है. प्लांटेई में वो आएंगे जो यूकेरियोट है, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन फंजाई से डिफरेंट है बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि ये अपना खुद का फूड बना सकते हैं, दे आर ग्रीन प्लांट. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस हु आर यूकेरियोट्स, दे हैव मल्टीसेलुलर बट दे डू नॉट हैव सेल वॉल आउट ऑफ देयर बॉडी, राइट, या अपनी जो सेल्स होती हैं उनके बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती, किसी भी एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है. तो अब देखिए यहां पर आते हैं फिफ्थ में, अब आगे आपके एनिमिलिया, ठीक है. तो इस तरह से ये व्हाइटेकर का किंगडम जो था, क्लासिफिकेशन सिस्टम था, व्हाइटेकर ने इस बेसिस पे इसको फाइव अलग अलग डिफरेंट किंगडम में डिवाइड किया, ठीक है. प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, है ना. ये हमारा व्हाइटेकर का 1969 का था, यही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है. दिस इज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वी आर स्टिल फॉलोइंग और ये सबसे अपडेटेड वर्जन, ठीक है. किसी को कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट हो प्लीज पूछिए, आप मैसेज कीजिए जिसको भी डाउट हो, या पूछ लीजिए ओरली भी आप पूछ सकते हैं. तो मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं है, राइट. अब देखिए, अब मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा. मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि सिक्स किंगडम होता है क्या, या सिक्स किंगडम है, होता है, बताओ भाई कौन बताने वाला है सिक्स किंगडम कौन सा है. थ्री डोमेन सिस्टम में मोनिरा को आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एक्सीलेंट. तो अच्छा बताओ फिर आर्की बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या, अब आप बताइए दो मुझे. आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया से पहले आया था और आर्की बैक्टीरिया इवॉल्व होके यू बैक्टीरिया बना शायद. अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस, ठीक है, थैंक यू. सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया. अब कुछ साइंटिस्टों का तो 1990 में कई सारे साइंटिस्ट हैं, किसी पर्टिकुलर बंदे ने बात नहीं की, होप यहां तक आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा ना, ठीक है. 1990 में कई सारे साइंटिस्टों ने प्रपोज किया कि जो ये मोनेरा है ना इसमें बैक्टीरिया आते हैं. उसने कहा कि बैक्टीरिया दो कैटेगरी के पाए जाते हैं, ठीक है. मैं इसके बाद सबसे पहले आर की बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा, ठीक है ना. उन्होंने कहा कि देखिए इसमें दो कैटेगरी है, यहां पे मोनेरा को हम दो कैटेगरी में डिवाइड, एक्चुअली मोनेरा को हम कहते हैं किंगडम ऑफ बैक्टीरिया, है ना. तो मोनेरा में हमारे बैक्टीरिया आते हैं. उनका यह कहना था कि देखिए बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड ही कर दीजिए. इस दुनिया में सबसे पहली बनने वाली जो सेल थी उस सेल को हमने कहा आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, राइट. आर्की वर्ल्ड का मतलब ही होता है ओल्ड, जैसे आप पढ़ते हो ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो आर्की वर्ल्ड का मतलब आर्कियोलॉजी, पुरानी चीजों का स्टडी करना, राइट, आर्की बैक्टीरिया. और दूसरे नंबर पर आते हैं यू बैक्टीरिया. अब भाई आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, ठीक है. यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, आर्की बैक्टीरिया, अगर मैं से कोई ये पूछे कि सर दुनिया की सबसे पहली सेल कौन सी थी, या सबसे पहले ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में कौन आया, तो सबसे पहले आने वाला जो ऑर्गेनिज्म था दैट वाज आर्की बैक्टीरिया. और आर्की वर्ड मींस होता है वेरी ओल्ड, है ना, और बैक्टीरिया ऑब्वियसली बैक्टीरिया, यू मींस होता है न्यू और बैक्टीरिया. आज की डेट के जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो सब बैक्टीरिया जो हमको आपको बीमार कर देते हैं, लैक्टोबैसिलस हो गया जो कि हमारे दही बनाने में काम आता है, कर्ड बनाने में काम आता है, या फिर मैं अगर बात करूं विब्रियो कॉलरी जो कॉलरा का बैक्टीरिया है, या फिर मैं बात करूं कि क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई जो टिटनिस का बैक्टीरिया है, ये सब जितने बैक्टीरिया हैं जो डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया है या बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं यू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया सर ये प्रोटोजोआ के अंदर आएंगे ना. हां सर ये प्रोटोजोआ के अंदर आएंगे ना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी देखो मैं आपको आर्की बैक्टीरिया भी डिटेल में अभी बताता हूँ, ठीक है. तो यहां तक आप नोट कर लो. कुछ लोगों का कहना है कि आर्की बैक्टीरिया, देखो उनका कहना है कि यू बैक्टीरिया को तो आप इसी में रखो, किसमें, मोनेरा में रखो. उनका कहना है कि जो आर्की बैक्टीरिया है
इसके लिए एक सिक्स किंगडम बना दो और उस सिक्स किंगडम का नाम है आर्किया. उनका कहना था एक आर्किया बना दो, ठीक है ना. सो आर्किया इज ए प्रपोज्ड किंगडम इन 1990, लेकिन इसको अभी तक माना नहीं गया. क्यों? जब तक क्लासिफिकेशन सिस्टम की बॉडीज हैं. तो एक बॉडी है आईसीबीएम, आईसीबीएम, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर पॉलिटिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है. दूसरा है आईसीजेडएन, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. एक तीसरी बॉडी है आईसीबैकएन, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर. जब तक आईसीबीएन इस बात की परमिशन नहीं देती कि आप मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आर्किया आपका सिक्स किंगडम है. तो अभी तक आईसीबीएन ने, आईसीबैकएन ने ये सर्टिफाइड नहीं किया है कि एक सिक्स किंगडम पाया जाता है. तो आप ये मान लीजिए सिक्स किंगडम इज अ प्रपोज्ड किंगडम सिस्टम. एक आखिरी चीज मैं आपको बताऊंगा, एक और होता है आईसीवीएन, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, ठीक है. तो ये चार ही बॉडी है, पांचवी बॉडी नहीं है. नोट कर लीजिए सर, प्लीज नोट करके. हाँ जी, ये बुक में तो काउंसिल नहीं, कोड. हाँ, इंटरनेशनल कोड. एक्चुअली क्या है, देखो अभी क्या है कि जो बॉडी है वो क्या है, एक काउंसिल है. उन्होंने क्या मिलकर के एक कोड का फॉर्मेशन किया है. वो कोड क्या है, काउंसिल और कोड में क्या फर्क है. इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर बहुत सारे लोगों का एक मेजोरिटी ऑफ काउंसिल है. उस काउंसिल ने मिलकर के एक रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं. जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं उन रूल्स और रेगुलेशन को हम कोड कहते हैं. जैसे कि जब हम स्कूल जाते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, ड्रेस कोड होता है, ठीक है ना. ड्रेस कोड डिसाइड करती है, स्कूल की काउंसिल डिसाइड करती है, ठीक है. तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ने मिल करके बॉटनी का नोमेनक्लेचर कैसे डिफाइन किया जाएगा, उसके जो रूल्स बनाए हैं उनको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. राइट, एम आई क्लियर? यस सर. ओके, एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म. अगर एग्जाम में जब आपसे ये पूछा जाए ना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म आईसीबीएन, तो आपको ये निकला है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना. ओके सर, इट इज ऑलवेज डिफाइंड बाय इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना. ठीक है सर, थैंक यू सर. ठीक है, वेलकम है ना. नोट कर लिया सबने? यस सर. ठीक है, तो नीचे एक नोट करो. देखो नोट, नोट द सिक्स किंगडम इज, सिक्स किंगडम इज आर्किया. It is a proposed kingdom which has been suggested by many scientists. According to them, archaebacteria are different from rest of the bacterial cell. Hence, they must be separated from rest of the new bacteria. ठीक है, ओके. अच्छा, अब देखो क्या है कि सबसे पहले जो मैं इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में पढ़ाऊंगा, तो मैं क्लासिफिकेशन सिस्टम के उस मेंबर के बारे में बात करूंगा जिसको कि इनकी कम्युनिटी से, इनकी बिरादरी से अलग कर दिया गया, ठीक है. उनको इनके साथ शामिल ही नहीं किया गया. कौन थे वो बेचारे? इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का वो बंदा जिसको इस घर से ही निकाल दिया गया, ठीक है. उसके बारे में बात ही नहीं की गई, उसके साथ थोड़ा सा. हाँ, कौन कौन कौन? वायरस. बोलो बोलो बोलो. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. मैंने आपको बताया था कि वायरस आपको किसी भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं मिलने वाला. वायरस किसी भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसलिए नहीं मिलने वाला
क्योंकि वायरस को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम डिफाइन करने से पहले हम वायरस के बारे में हमेशा बात करते हैं। देखो इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नेमिंग्लेचर पहले से बना हुआ, ठीक है, ICVN एक रूल्स और रेगुलेशन सेट बने हुए हैं कि वायरस का नाम कैसे रखा जाएगा, किस तरह से उनको डिफाइन किया जाएगा। लेकिन स्टिल कोड तो है, आप समझो बात को, क्लासिफिकेशन का कोड तो है लेकिन क्लासिफिकेशन में वायरस को नहीं रखा गया। रीजन ये कि वायरस इज नॉट ए लिविंग एंटिटी, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो सबसे पहले वायरस के बारे में बात। तो देखो जो वायरस होते हैं बेसिक बात ये है, वायरस को थोड़ा बड़ा आपके में डिफाइन किया गया, बहुत ज्यादा तो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि वायरस से क्वेश्चन नॉर्मली पूछे गए हैं और नीट में तो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वायरस से क्वेश्चन, ठीक है। वायरस दो जगह अपन कवर करते हैं, एक तो यहाँ पर अपन कवर करते हैं और दूसरा एक डिजीज वाला जो 12th में टॉपिक आता है तो उसमें भी वायरस को थोड़ा बड़ा कवर किया गया, वायरल डिजीज को इनफेक्ट वहां पे कवर किया गया, राइट। इसके साथ में जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसके भी थोड़ा सा HIV के वायरस के बारे में बात की गई है, कैसे वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू अपने आप को स्प्रेड करता है। तो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में वायरस को डिफाइन किया गया है और थोड़ा सा एनसीईआरटी में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब देखो वायरस, सबसे पहले वायरस को जिस बंदे ने खोजा है ना, तो वो कौन था, वायरस को सबसे पहले खोजा किसने, मतलब देयर आर टू क्वेश्चंस, द पर्सन हु फर्स्ट सीन वायरस एंड द पर्सन हु फर्स्ट डिफाइंड वायरस, डिस्कवर वायरस। तो देखो सबसे पहले वायरस को देखने का, लेकिन वायरस टर्म यूज नहीं किया था, सबसे पहले वायरस को देखने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है पाश्चर। तो पाश्चर ने, ये बात आपको बुक में नॉर्मली नहीं मिलेगी, पाश्चर ने क्या किया, पाश्चर ने टर्म दिया वायरस। तो आपको कमाल की बात बताऊं, जिस बंदे ने वायरस खोजा उस बंदे ने वायरस टर्म नहीं दिया, ठीक है। सो वायरस टर्म देने वाला बंदा था पाश्चर। तो पाश्चर, पाश्चर को भी जानते हो ना, लुई पाश्चर साहब अपने, ठीक है ना। तो पाश्चर ने क्या किया, वायरस टर्म, सो वायरस वॉज क्वाइंड, वायरस वॉज क्वाइंड बाई पाश्चर, ठीक है। तो इन्होंने टर्म क्वाइंड किया, ठीक है, क्वाइंड टर्म। तो इन्होंने ये टर्म जो था इसको क्वाइंड किया वायरस को। वायरस हेलो आवाज आ रही है मेरी सर, आवाज आ रही है, हाँ ठीक है। वो एक्चुअली क्या इस नाइट टाइम पे एक्चुअली लाइट कभी फ्लक्चुएट होती ना तो दोबारा से रिकनेक्ट करना स्टार्ट कर देता है वाईफाई। सर वो सर एक बार आप, मैंने आपसे बोला कि पाश्चर ने लुई, हाँ हाँ वही रिपीट कर रहा हूँ। तो पाश्चर ने, लुई पाश्चर ये वही पाश्चर साहब थे जिन्होंने पाश्चराइजेशन खोजा, ठीक है ना। तो लुई पाश्चर ने कहा कि देयर इज सम पॉइजनस लिक्विड विच
मेक पीपल सिक और इल, राइट? तो उन्होंने बोला कि दिस पॉइजनस लिक्विड इज एक्चुअली दिस इज, तो इन्होंने बोला दिस इज पॉइजनस लिक्विड इज वायरस, तो उन्होंने वायरस टर्म दिया. तो लुई पाश्चर ने वायरस टर्म दिया, इसका मतलब था पॉइजन, राइट? इसके बाद हमारे आते हैं इवानोवस्की साहब. तो इवानोवस्की सर, इन्होंने पॉइजन कॉइन किया या फिर वही डिफो देखा? नहीं, ही कॉइंड वायरस टर्म. ही कॉइंड, लुई पाश्चर कॉइंड वायरस टर्म. And the meaning of virus, virus is a... He was not the one who first saw it. Sorry? He was not the one who first saw it. He was not the person who discovered virus. Right. He was the first person who observed virus, virus-like. So, देखो, इसने virus को ये समझ नहीं पाया कि है क्या चीज. उसने बोला कि देखो भाई, एक liquid होता है, उस liquid से अगर वो liquid spread हो जाए, लोगों की body में पहुंच जाए, तो लोग बीमार हो जाए, ठीक है? और ये poisonous liquid है. तो उसने वायरस खोज तो लिया था, लेकिन वो जान नहीं पाया कि एक्चुअल में यही वायरस है ना? समझ गए? ठीक है. तो सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है वायरस टर्म देने का, वो पाश्चर को जाता है. तो लुई पाश्चर ने कहा कि देयर इज अ पॉइजनस लिक्विड, उस पॉइजनस लिक्विड का उन्होंने नाम दिया वायरस, है ना? तो वायरस एक लैटिन टर्म है और इसका मतलब होता है पॉइजन, ठीक है? सो अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द पर्सन कॉइंड वायरस टर्म, इट वाज लुई पाश्चर, राइट? लुई पाश्चर के बाद एक रशियन साइंटिस्ट, हाँ आपने बोला वायरस को किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया है, पर नहीं 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 किया. वायरस को फाइलम वायरा में रखा गया है बोल के किसी में पढ़ा था सर? नहीं नहीं नहीं, क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरस को रखा ही नहीं गया, किसी रूप में नहीं डिफाइंड है ना, और किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा, ठीक है? एलगी वगैरह को तो रखा भी हुआ था, बैक्टीरिया को तो रखा भी हुआ था, मतलब बैक्टीरिया को पहले प्लांट ही में रखा हुआ था, लेकिन वायरस को कहीं नहीं रखा गया, ठीक है? ये बात आप याद रखिए. किसी क्लास, और इसको किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में अपन रख भी नहीं सकते हैं, ठीक है? क्योंकि क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. आपका पहले चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और मैं आपको एक बात बता दूं, ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें लाइफ होती है, ठीक है? जिनमें लाइफ होती है, लेकिन वायरस में लाइफ नहीं है, राइट? तो हम इसको ना तो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं प्रॉपरली, और ना ही कभी अपन इसके लिए सेल वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो इवानोवस्की ने सबसे पहले एक टोबैको के प्लांट में, तो टोबैको की लीव्स में कौन सा वायरस खोजा था? हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं. इवानोवस्की ने टोबैको के लीफ में एक वायरस खोजा, उस वायरस का नाम था टीएमवी. सो टीएमवी इस दुनिया का सबसे पहला वायरस था. टीएमवी वाज द फर्स्ट वायरस. सो टीएमवी क्या स्टैंड करता है? दिस इज टोबैको मोज़ेक वायरस, है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? टोबैको की लीव्स में, है ना, टोबैको की लीव्स में छोटे छोटे स्पॉट पड़ जाते हैं, व्हाइट कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं. इस व्हाइट कलर के स्पॉट के पैटर्न को, इस डिजाइन को अपन, इस डिजाइन को बोलते हैं मोज़ेक की स्पेलिंग है, MOSAIC, मोज़ेक, ठीक है? टोबैको मोज़ेक वायरस. सो दिस इज कॉल्ड मोज़ेक पैटर्न, पैटर्न, है ना? तो हम इसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, राइट? वायरस का डिजाइन होती है, हाँ, वायरस का, वायरस ने इफेक्ट करके लीफ पर ऐसा डिजाइन बनाया सर. राइट राइट, वेरी गुड. वायरस ने लीफ को अफेक्ट करके ऐसा डिजाइन बना दिया, है ना? तो इस डिजाइन को अपन ने बोला मोज़ेक पैटर्न, ठीक है ना? और इस वायरस को, जो ये पैटर्न कॉज करने वाला वायरस है टोबैको के लीफ में, उसको हमने टीएमवी कह दिया, ठीक है? सो टीएमवी वॉज द फर्स्ट वायरस ऑफ द वर्ल्ड. दिस वॉज द फर्स्ट वायरस ऑफ वर्ल्ड, है ना? तो दुनिया का सबसे पहला वायरस था टीएमवी. क्लियर? yes. यहां तक मामला क्लियर है? यस, ठीक है. यस, अब देखिए, अब इसके आगे चलते हैं. अब इसके आगे जब चलते हैं तो वायरस के हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. ये सब बात आपने नोट कर लिया? यस सर. यस, ठीक है, राइट. अब देखो, ठीक है, अब देखो, वायरस के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो वायरस का जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जैसे हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, तो जब भी आप बैक्टीरिया के बारे में बात करते हो, तो स्ट्रक्चर पढ़ते हो ई कोलाई का, इस्टरिशिया कोलाई का, है ना? जैसे अपन कॉर्डेट्स के बारे में बात करते हैं, तो हम ह्यूमन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, फ्रॉग का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं. क्यों? ये रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है. प्रोटोजोआ पढ़ते हैं तो अमीबा को पढ़ लेते हैं. वैसे क्या है, वायरस में जो एक आइडियल वायरस है जिसके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, राइट? वायरस के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, है ना? बैक्टीरियोफेज,
कुछ लोग इसको फेज वायरस के नाम से भी जानते हैं ना, इसको हम सिंपली फेज वायरस भी कहते हैं। अब जो बैक्टीरियोफेज है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरियोफेज इस तरह का एक वायरस होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है प्लीज। कई सारे स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए, एम्स में भी आए और नीट में भी क्वेश्चन पूछे गए, और पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द वायरस, तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन, इसलिए आपको वायरस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से आउटर एक कवरिंग होती है, जो इस तरह से आउटर कवरिंग होती है ये कवरिंग बनी होती है एक्चुअली प्रोटीन की। अब ये कवर जिस प्रोटीन का बना होता है उस कवर को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोटीन को बोलते हैं कैप्सिड प्रोटीन। तो वायरस का जो आउटर कवर होता है ये कैप्सिड नाम की प्रोटीन का बना होता है ठीक है। तो एक्चुअली में इसको हम कहते क्या है, इस वायरस के कवर को हम लोग शील्ड कहते हैं ठीक है ना, SHIELD शील्ड राइट। तो शील्ड कहते हैं, तो वायरस की जो आउटर कवर होती है वो कैप्सिड नाम के प्रोटीन से बनी होती है, मींस कैप्सिड इज अ टाइप ऑफ केमिकल। अच्छा तो केमिकल कंपाउंड की बात कर रहा है उसको अपन कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन ठीक है। कैप्सिड छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर बनी है, ये वैसी ही बात है जैसे मेरे घर में फर्श लगी है तो वो मार्बल की बनी हुई है, लेकिन मार्बल के पूरे स्लैब की थोड़े ना बनी हुई है, मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर ये बनी हुई है। वैसे ही वायरस को जो आउटर कवरिंग है वो कैप्सिड नाम से प्रोटीन से बना है, लेकिन कैप्सिड प्रोटीन के छोटे छोटे टाइल्स हैं। तो एक कैप्सिड नाम के कैप्सिड प्रोटीन के जो छोटे छोटे टाइल्स हैं, इन टाइल्स को हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर ठीक है। तो कैप्सोमियर टाइल मतलब क्या बोले तो इस तरह के ये कैप्सिड प्रोटीन हो गए, इसके इस तरह के कई सारे डिजाइन के टाइल्स लगे हुए हैं है ना, तो इन टाइल्स को हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर। तो वायरस का जो आउटर कवर है वो कैप्सिड नाम की प्रोटीन का बना है, कैप्सिड प्रोटीन छोटे छोटे टाइल से मिलके बनी है जिनको अपन कैप्सोमेयर कहते हैं। फिर क्या बात करते हैं, फिर इसके अंदर यहां पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। तो ये हेलो हैंग हो गया, हाँ हैंग हो गया ना, वही मैं सोचूं मतलब से मेरा कनेक्शन लेट किया ये वही ना, मैं पिछली बार मैंने बट ये आप मैंने सोचा मेरा कनेक्शन सर ओवर हेलो सर, सर क्लास छुट्टी हो गई सर को बर्फ से कोई पानी करो। हेलो सर, सर आप जम गए हो, हाँ फ्रीज हो गए सर, और एक तो सर ने वो चैट भी नहीं खोल रखी एवरीवन वाली, मैं तब से सर को मैसेज भेज रहा हूँ। सुन ये बच्चा है कैजुअल, इसका सच में नाम यही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई हैरी पॉटर में से किसी का नाम है, विजर्ड मैजिक वाला। अच्छा खास पे नहीं ले गए और तुम भी वही कश्मीर से ही हो गए? नहीं लद्दाख। अरे हाँ ना यार, हो गया लद्दाख, ठीक है लद्दाख से ये फाइन। तेरी एज कितनी भाई? एज 16। हाँ Okay. भाई अगर 11th पढ़ रहा है तो 16 में ही होगा मेरे ख्याल से, हमारे बराबर ही होगा। मेरी 15 है ना, 3 महीने बाद मैं भी 16 के हो जाऊंगी, फिर मेरी भी 15 है।
मेरा अप्रैल 22 पे 16 बन गया 27th August वो तेरा क्या कहते हैं इसका नाम कैस्टल है तेरा नेबर है क्या इसका नाम दौड़जी सोनम नहीं है नहीं सर आ गए नहीं नहीं सर मुझे कुछ सब कुछ काला काला दिख रहा है काला नहीं दिख रहा है सर गायब है पता है मुझे सच में लगा कि मेरी कनेक्टिविटी सड़ी हुई है और बिल्कुल आएगी नहीं अब सड़ी होगी कनेक्टिविटी सड़ी हुई होती है वहां की क्या बात होगी हां हेलो सर नहीं आ रहे आ गए सर आपकी आवाज नहीं आ रही ये क्या है ये है जेनेटिक मटेरियल क्या है अच्छा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ऐसा कोई भी केमिकल ऐसा कोई भी मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो उसको अपन जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर हो, उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब देखो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये क्या है? Either it will be DNA or it will be RNA। तो जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होगा या RNA होगा। लेकिन वायरस के केस में जेनेटिक मटेरियल RNA हो सकता है, हमारे आपके केस में बैक्टीरिया के केस में या किसी प्लांट के केस में जेनेटिक मटेरियल कभी भी आरएनए नहीं होता। नोट करेंगे प्लीज। इन द केस मतलब वायरस में डीएनए हो सकता है राइट। वायरस में देखो वायरस में एक बात और बताऊंगा। वायरस में समझना बात को आवाज नहीं आई तेरी में। देखो वायरस में समझना मेरी बात को। हमारे अंदर कैसा वायरस हमारे अंदर डीएनए कैसा पाया था डबल स्ट्रैंडेड ना। वायरस में क्या हो सकता है वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एक और कमाल की बात बताऊं वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है स्ट्रैंडेड डीएनए ठीक है। एक और समझिएगा हमारे आपके अंदर आरएनए कैसा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। हमारे आपके अंदर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ठीक है ना। अच्छा ये पहली बार सुन रहे हो ये जेनेटिक्स। अभी मैं बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे ना सेल बायोलॉजी में डिटेल में। क्या कह रहे हो आपकी आवाज नहीं है मेरे को सर। बोलो क्या करो आपकी वॉइस में। आई एम अनेबल टू लिसन यू। आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। आप मुझे मैसेज कर दो। आप मुझे मैसेज कर दो ठीक है ना। तो देखो अभी क्या है तो मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए अभी क्या है तो यहां पर क्या है ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए सॉरी। अब यहां पर आरएनए भी जो होता है दिस इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। हमारे अंदर कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं पाया जाता। वायरस के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाया जाता है। तो वायरस ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है आरएनए भी हो सकता है। लेकिन हमारे अंदर कभी भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं हो सकता। हमारे अंदर हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। लेकिन वायरस के पास दोनों ऑप्शन है। इसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दोनों हो सकता है। हमारे अंदर हमेशा कोई भी मल्टी सेलुलर में सर हमें या फिर कोई भी यूकेरियोट में किसी भी एनी एक्सेप्ट वायरस इन एनी मल्टीसेलुलर। नोट कर लो मैं आपको ये बात नोट ही करवा देता हूं आप नोट करिए ठीक है। इन एनी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म और इवन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और इवन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल विल बी डीएनए फुल स्टॉप। इसी में कंटिन्यू करेंगे। आरएनए नेवर वर्क एज
आरएनए नेवर वर्क एज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए नेवर वर्क्स एज जेनेटिक मटेरियल, फुल स्टॉप। इसी में कंटिन्यू करेंगे, वी हैव और ऑल यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट हैव ऑल यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ऑल प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। पैराग्राफ चेंज करते हैं। इन केस ऑफ वायरस द जेनेटिक मटेरियल, इन केस ऑफ वायरस द जेनेटिक मटेरियल will be either DNA or RNA. Both cannot exist in the same time. Both मतलब किसी भी वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल कभी नहीं हो सकते। यहां पे मैंने लिखा है ईदर डीएनए और आरएनए, तो या डीएनए होगा या आरएनए। इसी में कंटिन्यू करेंगे, वायरस में हैव डबल स्टैंडर्ड एज वेल एज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। एज ए virus will have double stranded as well as single stranded DNA. As a genetic material, full stop. इसी में लिखेंगे, virus may also have single stranded as well as double stranded RNA as a genetic material. ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं ना? हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। मैं टाइप कर दिया सर क्वेश्चन। अच्छा टाइप कर दिया क्वेश्चन, ओके मैं देखता हूँ। मुझे क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा। नहीं आपको क्वेश्चन आया नहीं बेटा? सेंड नहीं हुआ क्या सर? हाँ प्लास्मिड जेनेटिक मटेरियल होते हैं सर। किसपे किसपे? प्लाज्मिड्स जेनेटिक मटेरियल होते हैं? नहीं नहीं, प्लाज्मिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, लेकिन ये है प्लाज्मिड जेनेटिक मटेरियल। प्लाज्मिड क्या होता है कि देखो, प्लाज्मिड जेनेटिक मटेरियल नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि प्लाज्मिड में कुछ जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली क्या होता है कि उनका फंक्शन, अभी मैं बैक्टीरिया में डिटेल में बताऊंगा कि प्लाज्मिड क्या होते हैं, वो बायोटेक में भी काम आएगा। देखो प्लाज्मिड क्या होता है, दे आर नॉट जेनेटिक मटेरियल, एक्चुअली दे आर ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, दे ट्रांसफर, दे मे ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, और उनका फंक्शन क्या होता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना। अच्छा अब आप बोलोगे कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जबकि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा तो सकता है। बिल्कुल आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज के जेनेटिक मटेरियल होने की कुछ कंडीशन होती है, कैसे, उसमें खुद में डिवाइड करने की कैपेसिटी हो, वो इंफॉर्मेशन को कैरी कर ले जाए। तो देखो प्लाज्मिड पहली वाली जो एलिजिबिलिटी है उसमें फेल हो जाता है, प्लाज्मिड खुद में डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, प्लाज्मिड को डिवाइड करने के लिए डीएनए की हेल्प चाहिए होगी।
तो प्लाज्मिड कंप्लीट ऑटोनोमस नहीं है. हाँ प्लाज्मिड्स खुद एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए नहीं है सर. हाँ है प्लाज्मिड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है लेकिन वो खुद में डिवाइड नहीं कर सकता अपना. अगर प्लाज्मिड चाहे कि अपने मन से डिवाइड करता रहे तो नहीं कर सकता. प्लाज्मिड कितनी कॉपी प्लाज्मिड की बनेंगी और प्लाज्मिड को डिवाइड करने के लिए जो मशीनरी चाहिए होता है मतलब जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो मेन डीएनए बनाता है. तो इसीलिए प्लाज्मिड को हम लोग जेनेटिक मटेरियल नहीं कहते. तो देखो जैसे डीएनए में क्या है ना डीएनए को किसी की जरूरत नहीं है भाई. देखो डीएनए को डिवाइड करना है डीएनए अपना खुद ही डिवाइड करता है. उसको 1000 कॉपी बनानी है डीएनए फ्री है उसके पास अपना पूरा सामान है अपन पूरी कॉपी बना देगा ठीक है. लेकिन प्लाज्मिड अगर चाहे तो प्लाज्मिड चाहता है कि 1 से 2 हो जाए. तो प्लाज्मिड को 1 से 2 होने के लिए जो एंजाइम चाहिए डिवाइड करने के लिए या जो हार्मोनल कॉम्पोनेंट चाहिए प्रोटीन चाहिए वो सब कॉम्पोनेंट के लिए वो डिपेंडेंट है मेन डीएनए. क्लियर है ना. और इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा अभी जो बैक्टीरिया कराऊंगा ठीक है. एक क्वेश्चन सर. हाँ बताओ. हाँ बिल्कुल चलो पूछो. डीएनए और आरएनए को हम इवोल्यूशन बताने वाला क्राइटेरिया मान सकते हैं सर. बिल्कुल मान सकते हैं. और आपको मैं बता दूं कमाल की बात सबसे पहले आरएनए आया फिर डीएनए ठीक है. और बिल्कुल इसके बेसिस पे ही हम बताते हैं जो मैंने बताया था ना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में एवोल्यूशन में हमेशा हम डीएनए को आरएनए को और प्रोटीन को तीनों को काउंट करते हैं ठीक है. ये एवोल्यूशन बताता है दैट इज ट्रू ठीक है. सबको एक क्वेश्चन उसी तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड में भी मान सकते हैं सर. हेलो क्या 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 आप अब डीएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड होगा उसको भी हम क्राइटेरिया मान के इवोल्यूशन को बता सकते हैं सर. नहीं सिंगल और डीएनए और डबल तो नहीं बता सकते हैं लेकिन जीन्स के बेसिस पे उनके सीक्वेंस के बेसिस पे उसको हम इवोल्यूशन का क्राइटेरिया मानते हैं. उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड से ओल्ड नहीं होता है सर. नहीं ऐसा नहीं है कि सिंगल स्ट्रैंडेड पहले आया और डबल स्ट्रैंडेड बाद में ऐसा नहीं था ठीक है. डीएनए जब भी बना एक्चुअली वो डबल स्टैंडर्ड ही बना. सच बात यही है. तो डीएनए पहले जब बना वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही बना डाइन्यूक्लियोटाइड ही एक साथ बना. एवोल्यूशन सिंगल स्टैंडर्ड का एवोल्यूशन कैसे हुआ सर. अच्छा सिंगल स्टैंडर्ड का एवोल्यूशन कैसे हुआ ये क्या है डिफॉर्मिटीज है समझे ना. मतलब जो क्या हुआ कि जैसे आप समझो बात अगर आप डीएनए को ले लो और डीएनए में क्या करो डीएनए को ऐसी रख दो जहां पे टेम्परेचर बढ़ जाए तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है हाई टेम्परेचर की वजह से वो अपने आप टूट जाएंगे और सब वो बन जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड में. तो क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड ही डीएनए पाया जाता है लेकिन क्या है टेम्परेचर के बेसिस पे ठीक है ना एंजाइम्स के बेसिस पे और बहुत सारे इन्वायरमेंटल केसेस के बेसिस पे अगर वो ज्वाइंट रहता है तो डबल स्ट्रैंडेड रहता है. लेकिन अगर ये कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो तो वो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड में भी कन्वर्ट हो सकता है ठीक है. यही रीजन है कि वो वायरसेस एक्सट्रीम्स टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं पर ह्यूमन एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि उनका बिल्कुल इसमें सबसे खास बात होती है इनकी आपको आउटर सरफेस में जो प्रोटीन पाई जाती है ना मेन चीज प्रोटीन होती है. तो वायरस की जो प्रोटीन होती है और बैक्टीरिया की जो प्रोटीन होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. हमारी आपकी बॉडी में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका मेल्टिंग पॉइंट 60 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो अपन अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड में बाहर जाए तो बर्न हो जाएंगे. हमारे जो स्किन बर्निंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है ना गर्मियों में सन बर्न जिसको आप बोलते हो वो इसी की वजह से होता है क्योंकि हमारी प्रोटीन का मेल्टिंग पॉइंट है ठीक है. और वो मेल्टिंग पॉइंट ये डीएनए सेट करता है ना सर. हाँ बिल्कुल वो हमारे जीन से डीएनए सेट करता है हमारे जीन सेट करता है डीएनए जीन्स बनाता है और जीन्स बनाता है. वेलकम वेलकम बेटा वेलकम. अब देखो ये जो हमारा वायरस है वायरस में ये वाला जो इसका पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं नेक ठीक है. इसको सॉरी ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कॉलर. और ये वाला जो पूरा पार्ट है तो ये नेक का ही पार्ट है कॉलर एक्चुअली. ये ऐसे इस तरह से पार्ट है उसको कॉलर बोलते हैं और इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं नेक ठीक है. ये वाले जो इसके ये पैडल्स आपको दिख रहे हैं सैटेलाइट टाइप के इनको हम लोग बोलते हैं टेंटिकल्स. इसको टेंटिकल्स बोलते हैं. तो ऐसे हमने ये फिजिकली डिवाइड किया. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. क्लियर है भाई क्लियर है. ओके अब सर आपने क्या कहा था कि इंसानों में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए नहीं पाया जा सकता ना. नहीं इंसानों में डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं मिलेगा और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं मिलेगा ह्यूमंस को नहीं मिलेगा और वायरस में सब पाया जाएगा.
वायरस में तो ये चारों ऑप्शन खुले हुए हैं। वायरस देखो, आप सोचो कि एक वायरस पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है ना। तो अब आप सोचो, है कि नहीं, पूरी दुनिया परेशान है, इतने बड़े बड़े कंट्रीज परेशान है, तो वायरस को मारने के लिए मेडिसिन क्यों नहीं बन पा रही। एक्चुअली क्या है कि वायरस बड़ी कमाल की चीज है। ये क्या करता है, अगर कोई ऐसा वायरस है जो आप मतलब आप उसको मारोगे कैसे जो पहले से मरा हुआ है, कमाल की बात। ठीक है, वायरस शायद सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म होगा। देखो वायरस तो सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके साथ एक खास बात है, ठीक है ना। वो ये खास बात क्या है कि वायरस, वो वायरस जो अपना बार बार डीएनए का सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, उनको मारने के लिए दवा बनाई नहीं जा सकती। आज तक ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस, समझिए बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो हम लोग पिछले 50-60 साल से पढ़ रहे हैं, और आज भी उसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है, ठीक है ना। HIV ले लो, जो वो हर वायरस और वो हर बैक्टीरिया जो अपने डीएनए का सीक्वेंस चेंज कर लेता है, उसके खिलाफ मेडिसिन बनाया जाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कभी नहीं बना सकते, ठीक है ना। सर एक बार रिपीट कर देना सर, वो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। सिंगल स्ट्रैंडेड क्या नहीं पाएगा, पाएगा इंसानों में? नोट ही कर लो यार, हाँ नोट करो, ठीक है। ह्यूमंस कैन नेवर हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए। थैंक यू सर, वेलकम। सो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बैक्टीरिया को अपना शेप चेंज करने में मदद करता है सर। अच्छा, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और वायरस में सर, ये वायरस में पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड। ये तो सिर्फ वायरस में, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो दो चीजें हैं ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये भाई साहब सिर्फ वायरस में और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना बैक्टीरिया में, ना प्लांट में, ना फंगस में। यही इसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से बैक्टीरिया अपना शेप चेंज, वायरस अपना शेप चेंज करते हैं। इन्हीं सब जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो जाने, इनका सीक्वेंस चेंज हो जाने की वजह से वायरस अपना शेप चेंज कर लेता है। सीक्वेंस चेंज, अरेंजमेंट जो है, जब इनका अरेंजमेंट चेंज होता है तो वायरस अपना शेप चेंज कर लेता है। प्रोटीन का अरेंजमेंट इनमें चेंज होने से सर। राइट, तो प्रोटीन का अरेंजमेंट पता कैसे चेंज होगा जब डीएनए का अरेंजमेंट चेंज होगा। देखो आपको पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। देखो क्योंकि आपको आगे की क्लासेस में सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा, मतलब ये है, ये 12th का टॉपिक है। देखो क्या होता है, जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, डीएनए डिफाइन करता है अरेंजमेंट, किस चीज का? डीएनए डिफाइन करता है अरेंजमेंट एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन का शेप कौन चेंज करता है, प्रोटीन का सीक्वेंस, प्रोटीन का अरेंजमेंट किस पर डिपेंड करता है, डीएनए। और इसी डीएनए के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स। तो अगर डीएनए में चेंज होगा तो एमिनो एसिड के अरेंजमेंट में चेंज होगा, और इसके अरेंजमेंट में चेंज होगा तो प्रोटीन में चेंज हो जाएगा। समझ आया? इसी चेंज की वजह से क्या वायरस का पूरा स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आ सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा का पूरा शेप चेंज हो जाएगा, वो पहले जैसा दिखता था वैसा नहीं दिखाई देगा। पहले क्या है, पहले वाला डीएनए में प्रोटीन का अरेंजमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वायरस ने अपना डीएनए चेंज किया तो अब ये अरेंजमेंट सीक्वेंस हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 5, 7, 6। ठीक है, तो प्रोटीन का अरेंजमेंट चेंज हुआ तो शेप चेंज हुआ। ओके थैंक यू सर, वेलकम बेटा। अब तो ये है हमारा डीएनए। अब देखो वायरस कितने टाइप के हो सकते हैं, तो अगर मैं कॉम्पोजिशन के बेसिस पे बात करूं तो सबसे पहले वो वायरस होते हैं जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है और बाहर उनके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग होती है। ऐसे वायरसेस को हम लोग कहते हैं क्यू वायरस। ये सबसे मॉडर्न वायरस हैं, सबसे मॉडर्न वायरस हैं। हमको आपको यही बीमार करते हैं, बर्ड फ्लू का वायरस, स्वाइन फ्लू का वायरस, जो आज की डेट में चल रहा है कोरोना वायरस, ये सब यही है क्यू वायरस, ठीक है ना। दूसरे वो वायरस डीएनए प्लस प्रोटीन, हाँ डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है,
मतलब अंदर भरा होगा डीएनए, स्टफिंग डीएनए की, और बाहर का कवर प्रोटीन का है। तो पहले कैटेगरी के वो वायरस हो गए, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, कुछ भी हो, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, तो उनको अपन यही बोलेंगे ई वायरस है ना, ठीक है। और अंदर क्या है, आरएनए भरा हुआ है, और आरएनए, अब देखो आरएनए के बाहर प्रोटीन की कवरिंग है ना। तो जैसे आपने पूछा कि यू वायरस बताओ, यू वायरस क्या है, जैसे H1N1 है ना, तो ये यू वायरस है। अब दूसरे वो वायरस होते हैं जिनके अंदर आरएनए होता है और बाहर प्रोटीन, ऐसे वायरसेस को हम लोग बोलते हैं रेट्रो वायरस, ठीक है, रेट्रो वायरसेस, ठीक है। रेट्रो वायरस वो है, हाँ जी, आपने वो पूरे बाहर का प्रोटीन का एक नाम कहा था कैप्सिड प्रोटीन, पर आपने इधर प्रोटीन ही क्यों लिखा कैप्सिड, कहाँ पे, नहीं नहीं ये प्रोटीन तो किट से यही होगा, कैप यही है कैप्सिड, मतलब इस प्रोटीन का नाम कैप्सिड है ना। ओके, जैसे हम ये बोलते हैं कि हमारे हमारे अगर आपसे कोई पूछे कि आपके हेयर या नेल्स किसके बने हैं, तो आप बोलोगे किसके बने, आप बोलोगे प्रोटीन के बने हैं ना, आप बोलोगे किस प्रोटीन के बने हैं, सो द नेम ऑफ द प्रोटीन इज केराटिन। तो वैसे ये वायरस का बाहरी जो कवर होता है वो प्रोटीन का ही बना होगा, ठीक है ना। और लेकिन इसके प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का अगर केमिकल कॉम्पोजिशन पूछा जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कैप्सिड प्रोटीन, ठीक है, ओके, समझ गए। अब सर जो आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो सर, ये इसके हैं बैक्टीरियोफेज के या फिर कोई भी रैंडम वायरस के हैं, किसी भी, ये स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वायरस के जो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसमें जो स्टैंडर्ड वायरस जो है ना उसको जो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव वायरस माना है, मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म हमारा यही होता है टी टीफेज बैक्टीरिया। इसके अलावा हम कुछ और भी तो ले सकते हैं ना, मतलब एक्चुअली क्या होता है इसमें वो सभी वायरस को डिफाइन करने के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, समझिए ना। हाँ, और वायरस की स्टडी करने के लिए, वायरोलॉजी के लिए भी आप इसी को लेते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया हम लोग पढ़ते हैं इकोलाई, तो आप ले तो कोई भी सकते हो, है ना, कोई भी बैक्टीरिया ले सकते हो, लेकिन इकोलाई को लेते हैं, हाँ, नॉस्टॉक भी ले सकते हो। अब नॉस्टॉक बीसी वो हो गया, बीजे हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो नॉस्टॉक में वो सब कैरेक्टरिस्टिक मौजूद ही नहीं है जो बैक्टीरिया के अंदर होने चाहिए, ठीक है, बहुत सारे नहीं, हाँ ठीक है। अब देखो तीसरे वो वायरस होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर, जिनके अंदर सिर्फ जिनमें डीएनए या आरएनए ही होता है, इनके ऊपर प्रोटीन नहीं होती, ठीक है, दीज आर कॉल्ड वायरॉन्स, ठीक है। चौथे वो वायरस और लिखाएंगे, हाँ, और ठीक है ना, और बड़ा सा लिख देता हूं, और ठीक। अब देखो चौथे वो वायरस होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, ओनली प्रोटीन, ऐसे वायरसेस को हम लोग बोलते हैं प्रियॉन्स, प्रियॉन्स। तो इनमें सभी फंक्शंस कैसे होते हैं, डीएनए और आरएनए, ये क्या पीआर, पीआर आई ओ एन एस, और बड़ा लिख देते हैं सर। तो कोरोना क्या है इनमें से, कोरोना इनमें से ये वाला है, क्यू वायरस, ये ऊपर वाला है सर, एक फिर ले, हाँ, इस प्रायोन्स में डीएनए और आरएनए का काम कौन करता है सर? कोई नहीं करता, ये जाता है, ये सिर्फ इसमें इसमें यही तो कमाल की बात है, वायरस में सिर्फ प्रोटीन भी डिवाइड करने की कैपेसिटी रखती है। तो क्या होता है, और आपको कमाल की बात बताऊं, इंसानों में होने वाली एक डिजीज है, आपने नाम सुना होगा पार्किंसन का, नाम सुना है किसी ने पार्किंसन का? नो सर। यस सर, नहीं सुना है ना पार्किंसन? पार्किंसन आपने देखा होगा, ये बूढ़े लोगों में क्या होता है, उनके हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं, ठीक है। तो पार्किंसन में दैट इज द ट्रेम्बलिंग ऑफ लिम्स, हाथ और पैर का कांपना होता है, पार्किंसन डिजीज प्रियॉन से ही होती है, इंसानों में होती है, और ये बूढ़े लोगों में होती है, ठीक है। ये शराबियों में अगर शराब नहीं मिलता है तो हाथ कांपता है सर? वो एक्चुअली मेटाबॉलिक रेट की वजह से होता है, उसमें वायरस नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, बूढ़े जो बूढ़े लोग होते हैं ना, ठीक है, तो बूढ़े लोगों में जो ओल्ड होते हैं उनमें वायरस इन्फेक्ट कर जाता है प्रियॉन्स, तो उसके बाद क्या होता है, उनका नर्वस सिस्टम क्या होता है, डिजेनरेट होने लगता है, तो उनके हाथ और पैरों के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिजेनरेट होने लगते हैं, उस डिजीज को हम लोग पार्किंसन कहते हैं, ठीक है, ओके। तो दूसरा एक और है अल्जाइमर, अल्जाइमर नाम सुना है? हाँ सर, अल्जाइमर सुना है पर पता नहीं, ठीक है, क्या होता है बताओ, बहुत खतरनाक डिजीज है, दुनिया में एक बहुत खतरनाक टाइप का और बहुत महान एक हमारे प्रेसिडेंट पैदा हुआ, उनको रोनाल्ड रीगन बोलते थे, रोनाल्ड रीगन साहब का नाम सुना है किसी ने? पार्किंसन नर्वस डिसीज है,
नर्वस सिस्टम को, है ना, सो दिस इज न्यूरल डिजीज राइट, और अल्जाइमर भी नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, ये दोनों डिजीज, ये बस इतना आप याद रखना कि पार्किंसन और अल्जाइमर दोनों प्रियॉन्स हैं, इसको फैलाने वाले जो वायरस है दोनों प्रियॉन्स हैं, दोनों नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं। पार्किंसन में बंदे के हाथ पैर में ट्रेमलिंग होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसकी याददाश्त मेमोरी थोड़ी थोड़ी वीक होने लगती है, लेकिन आदमी मरता नहीं है और नॉर्मली ये ओल्ड एज में होती है। दूसरे के बारे में अगर बात करूं अल्जाइमर के बारे में, अल्जाइमर सीधे ब्रेन के न्यूरल सिस्टम को डिजेनरेट करता है, याददाश्त तेजी से जाती है, मेमोरी तेजी से लूज होती है, और फाइनली इट लीड्स टू डेथ, दैट इट एश्योर द डेथ। ठीक है, ये रोनाल्ड रीगन साहब एक अमेरिका के बहुत महान राष्ट्रपति हुए हैं, वो प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, स्टार वार प्रोग्राम, आज की डेट में हम उस प्रोग्राम को NMDC नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनका सपना था कि हम सैटेलाइट्स में मिसाइल फिट करेंगे राइट। स्टार वार के जो प्रोपोगेटर थे वो रोनाल्ड रीगन साहब थे। रीगन साहब को हो गया अल्जाइमर, फाइनली उनका जितना प्रोग्राम था वो सब भूल गए, पूरी प्रोग्रामिंग, ठीक है, और फाइनली उनकी डेथ हो गई अल्जाइमर की वजह से राइट। सो हाँ जी, आप एक रफ डायग्राम बना सकते हो सर प्रायंस का? हेलो सर, मैसेज करो बेटा, क्या क्वेश्चन था आपका? अच्छा, आप एक रफ डायग्राम बना सकते हो प्रायोंस का? प्रायोंस का? ओके, हाँ जी। देखो बता दो, प्रायोंस ऐसे होते हैं जैसे ये ऐसा डायग्राम होता है, उसका कॉलर और टेल टेंटिकल्स हेक्सर नहीं, कुछ नहीं होता। मैंने बोला वायरस, बहुत टाइप के वायरस हो सकते हैं देखो, और कई सारे वायरस ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन भी बनी होती है, प्रोटीन की एक लेयर भी बनी होती है ना, ये ऐसे भी वायरस होता है। ठीक है, तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं क्यूबॉइडल शेप के, कुछ वायरस ऐसे होते हैं ऐसे ऐसे, है ना, और ये जो वायरस है ना, ये पोलियो का वायरस है। ठीक है, ये पोलियो का वायरस है, ये वाला जो वायरस है ये भाई साहब TMV है, टोबैको मोजैक वायरस, जिसको जो दुनिया का पहला वायरस था ये TMV है। इसमें ये बाहर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रोटीन के कवरिंग है, बीच में जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है ना, कुछ वायरस ऐसे होते हैं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं। वायरस शेप के बेसिस पे तीन कैटेगरी के होते हैं। ठीक है ना, दिस इज क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, और इनको बोलते हैं हेलिकल शेप के बेसिस पे। तो एक तो वायरस शेप के बेसिस पे क्यूबॉइडल होता है, दूसरा हेलिकल होता है, और ये जो वायरस जो दोनों का कॉम्बिनेशन है हेलिकल और क्यूबॉइडल, तो ये हिस्सा हेलिकल हो गया, ये हिस्सा क्यूबॉइडल हो गया, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इस थर्ड कैटेगरी के वायरस को बोलते हैं बाइनियल, बाइनियल। तो वायरस तीन तरह के हो सकते हैं शेप के बेसिस पे, क्यूबॉइडल, हेलिकल और बाइनियल। ठीक है भाई, तो कोरोना कैसा दिखता है? ऐसे दिखता है स्पाइक है ना, वो प्रोटीन की कवरिंग है उसका, वो कैप्सिड प्रोटीन है, जो आपको स्पाइक दिखाई देता है वो कैप्सिड प्रोटीन है, और उसके अंदर DNA भरा हुआ है, और उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, वो यू वायरस में आते हैं। हाँ, यू वायरस है, कोरोना आपका यू वायरस है सर। एक बात, आप क्रिप्टो गेमिंग समझा सकते हो सर? क्रिप्टो गेमिंग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्रिप्टो गेमिंग देखो सिंपल है, एक बायोलॉजी का एक फंडा है, बायोलॉजी को आप ब्रेक कर लो, सिर्फ इसके टर्म ब्रेक कर लो तो आधी कहानी तो वहीं खत्म हो जाती है, आपको आधी बात वहीं पता लग जाएगी। क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन, और गेमिंग मीन्स होता है मैरिज। ठीक है ना, हिडन मैरिज। तो क्रिप्टो गेमिंग क्या होता है, ऐसे फ्लावर जो कभी लाइफ टाइम खिलते नहीं है उनको हम क्रिप्टो गैबस फ्लावर बोलते हैं। पीनट जो होता है हमारा, पीनट मूंगफली जिसको आप बोलते हो ना, तो पीनट जो होता है, पीनट के फ्लावर हमेशा मिट्टी के नीचे होते हैं, छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, वो कभी खुलते नहीं है, अपने ही पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट हो जाते हैं, इस तरह के फ्लावर्स को हम क्रिप्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। समझ गए? और एक बात सर, क्रिप्टोग्राम भी, क्रिप्टोग्राम, क्रिप्टोग्राम, यस, थोड़ा सा कहीं डिफरेंस है, क्रिप्टोग्राम में कुछ और है, सही टर्म बताओ, सही टर्म बताओ, टर्म सही नहीं बता पा रहे हो अभी आप। क्रिप्टोग्राम है सर, इस क्रिप्टोग्राम,
CRYPTOGRAM कहाँ पे दिया हुआ है? ये इसमें सर, मैं एक नोट्स में है सर, किसी का क्रिप्टो क्रिप्टोग्राम बोल, किस रेफरेंस में दिया? क्रिप्टोग्राम यार कोई ऐसा, क्योंकि ये इक्विपमेंट का किसी नाम है, ठीक है, तो क्रिप्टोग्राम है ना, ये कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, एक टर्म है पर पता नहीं। क्रिप्टोगैमी होता है या क्रिप्टोगैमस भी होता है, ये दोनों बातें, दोनों टर्म एकदम सही है, ठीक है। क्रिप्टोग्राम कोई चीज नहीं होती है, दिस इज नॉट पैरेलल टर्म, ये मिसप्रिंट वर्ड होता है, ये दैट विल बी मिसप्रिंट। क्रिप्टोगैमी आपने बिल्कुल सही बोला, क्रिप्टोगैमस भी बिल्कुल सही होता है ना, लेकिन क्रिप्टोग्राम नहीं होता, ठीक है। ओके, तो वायरस क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले ये बताओ। यस क्लियर है। तो ये बैक्टीरिया फेज होता है सर, उसके टेंटिकल्स होते हैं, उसमें से ये लोकोमोट कर सकता है, चल सकता है? चल नहीं सकता, बताता हूँ टेंटिकल का यूज क्या करता है। अच्छा, ये सब नोट कर लिया आपने? यस सर। अच्छा ग्रेट, किसी को कोई क्वेश्चन हो बताओ, तो फिर मैं थोड़ा सा बता करके फिर वाइंड अप करेंगे अपन। और एक सर, कोरोना ऐसा बोलता है ना कि 10 या 12 घंटे में कोरोना मर जाता है बोलता है ना, किसी सरफेस से सर, पर वो स्पेकुलेशन है। वायरस मरता नहीं है, वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में हम इकट्ठा करके, वायरस को क्रिस्टलाइज करते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में इकट्ठा करके अगर उसको 1000 साल तक भी रखा जाए तो वायरस मरेगा नहीं, वो डीएक्टिवेटेड कंडीशन में होता है, ठीक है। आप कोरोना को तो छोड़ दो, मैं आपको बताता हूँ हेपेटाइटिस बी का वायरस, अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस बी है, उस बंदे को चोट लग गई, वो जमीन पे गिर पड़ा, जमीन पे गिरने में चोट लगने में उसका ब्लड जमीन पे गिर गया, सड़क पे उसका ब्लड गिर गया, उस आदमी वो आदमी उठ के वहां से चला गया, ब्लड वहीं पे पड़ा है भाई साहब, उस कंडीशन में उसके ऊपर धूप गर्मी सर्दी बारिश सब कुछ हो रहा है, लोग जूते से चल रहे हैं, गाड़ियों के टायर चल रहे हैं, 45 डेज तक वायरस वहां पे एग्जिस्ट करता है, वो ब्रेक नहीं होता। अगर 45 डेज तक कोई दूसरा आदमी उसी ब्लड के ऊपर गिर जाए और उसको चोट लग जाए तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए। वो एक्चुअली क्या होता है, वो प्रोटीन जो होती है ना कैप्सिड, वो उसकी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो जब कैप्सिड डिग्रेड हो जाती है तो वायरस फिर काम नहीं करता, फिर वो इन्फेक्ट नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस वायरस है, ठीक है। सो वन लास्ट थिंग, आप मुझे ये बताओ कि एचआईवी का वायरस कौन सा वायरस है? एचआईवी एड्स ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। हाँ हाँ, ये कौन सी कैटेगरी का है ये बताओ, बोलो भाई। एक और बात बताओ, जो अभी आपने कहा ना कि कोरोना को वो क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, तो बाकी वायरस को भी कर सकते हैं? किसी भी वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, किसी भी वायरस, मतलब एचआईवी को भी, किसी भी वायरस को हम क्रिस्टल के फॉर्म में रख सकते हैं लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, किसी भी वायरस को। ओके सर। और किसी भी वायरस को क्रिस्टलाइज करके, किसी भी बैक्टीरिया को प्रिजर्व करके उसका बम बनाना, ये पूरे दुनिया का क्राइम, इट्स वर्ल्ड क्राइम, इनको WMD बोलते हैं, वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन, ये करना क्राइम है पूरी दुनिया में, ये भी आपको बता दूं। क्लोन बनाना, वायरस क्रिस्टलाइज करके उसको बम बनाना, चाइना ने जो किया, ये WMD में आएगा, वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन, मास में लोग मारे गए हैं चाइना के लिए, चाइना के ऊपर अगर ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये चाइना ने बनाया है, अगर जैसे लोग कह रहे हैं, यूजर्स आ रहे हैं, अगर ये बात प्रूफ हो जाती है तो चाइना के ऊपर वर्ल्ड क्राइम का केस भी चल सकता है, ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वायरस पे किसी भी तरह का ऐसा रिसर्च करना, बैक्टीरिया में किसी भी तरह का ऐसा रिसर्च करना, वो वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन में आता है, और इनको बायोलॉजिकल वेपन की कैटेगरी में भी रखा गया, वायरस और बैक्टीरिया को जो इंसानों को मार देते हैं, तो WMD की कैटेगरी में आते हैं, वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन, इन्हीं को हम बायोलॉजिकल वेपन की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें इस तरह की किसी भी तरह की रिसर्च करना वर्ल्ड का, ठीक है। अब देखो, एक कॉमन कोल्ड वायरस होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर में वो वायरस हमको आपको इन्फेक्ट नहीं करता है, लेकिन जब हम कोई बहुत ठंडी चीज पी लेते हैं, ठंडी चीज खा लेते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है या गले का टेम्परेचर गिर जाता है, वायरस एक्टिवेट होता है और हमको कॉमन कोल्ड हो जाता है। उस वायरस का नाम बताओ जल्दी से, पेट बताइए, बताइए वायरस का नाम बताइए।
लेकिन सर मैंने तो ये सुना है कि हर बार जो जुकाम होता है वो अलग अलग वायरस से होता है, कभी भी सेम वायरस से हमें जुकाम नहीं हो सकता, बिकॉज हमारा इम्यून रिनो वायरस है। ये वायरस क्या हम सबकी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है ना, अपन को तो सर्दी हुई इससे ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। इसीलिए आप देखो वायरस का कभी भी इसका कभी कोल्ड की कोई मेडिसिन नहीं होती है ना। इसका क्या होता है, इसका इनक्यूबेशन पीरियड 7 डेज का, इसका लाइफ साइकिल, तो 7 डेज के बाद ये अपने आप इनएक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप कोल्ड की कोई मेडिसिन ना भी खाएं, ठीक है ना, तो वायरस क्या होगा 7 दिन बाद अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। और कोई सी भी भैया मेडिसिन खा लो 7 दिन के अंदर आप ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। सो कॉमन कोल्ड फैलाने वाले वायरस का नाम लिखिएगा रिनो वायरस, इट इज कॉल्ड रिनो वायरस, ठीक है सर जी। सर मैंने तो सुना है कि जो जुकाम होता है वो हर बार एक नए वायरस से होता है, कोई भी सेम वायरस से रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि हमारा बॉडी इम्यून डेवलप कर लेता है। देखो क्या होता है कि ये जो वायरस होता है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको, वायरस नए वायरस नहीं होता, वायरस अपना सीक्वेंस चेंज कर लेता है। कॉमन कोल्ड का जो वायरस है ये भी अपना सीक्वेंस चेंज कर लेता है, तो वो हर वायरस जो सीक्वेंस चेंज कर लेता है उसके खिलाफ मेडिसिन नहीं बनाई जा सकती। समझ मतलब अभी रिनोटाइप 1 से फिर रिनोटाइप 2 से ये देखो नहीं ऐसे नहीं कह सकते। देखो जैसे मान लो ना कि इसका सीक्वेंस चेंज करने का क्या मतलब है कि जैसे तार आती ना, कारें आती ना, है ना, कार, तो पहले बोला BS1 इंजन आया, BS2 आया, BS3 आया, BS4 आया, हाइब्रिड इंजन आ गया, तो अपग्रेड हो रहा है, तो हर बार कार तो वही है, इंजन उसका चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना, समझ गए ना। ऐसे वायरस में होता है, उसका ऊपर वाला कवर तो वैसे ही है, अंदर जो DNA का सीक्वेंस है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। सर हाँ जी, वो 7 दिन के बाद रिनो वायरस इनएक्टिवेशन से अगेन एक्टिवेट हो सकता है सर? वो इनएक्टिवेट हो ही जाएगा, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर एक्टिवेट नहीं होगा? हो जाएगा अगर एनवायरमेंटल कंडीशन वैसी ही बनी रही, अगर बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी गिरा रहा तो वो लगातार लाइफ साइकिल में एंटर ही करता रहेगा, रिप्रोड्यूस करता रहेगा। अगर कंडीशंस नॉर्मल हो गई, खत्म नहीं कर सकते, नहीं खत्म नहीं किया, देखो ठीक है भाई, क्लियर जी सर, कोई क्वेश्चन बेटा? थैंक यू सर, नो सर, ओके वेलकम वेलकम। सौम्या, नो सर, थैंक यू सर, वेलकम बेटा, आप क्वेश्चन नहीं पूछते। भूमि, यस सर, क्लियर, आप भी क्वेश्चन नहीं पूछते हो, हां क्लियर है मम्स? यस सर, ओके। स्वांग, मम्स एक्चुअली क्या होता है, मैं पढ़ाऊंगा जब डाइजेस्टिव सिस्टम तो बताऊंगा। हमारी बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तीन पेयर ऑफ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एक सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल और पैरोटिड। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ऊपर वाली होती है, दो ग्लैंड्स होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड में वायरस चला जाता है, वो जाकर के पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट कर देता है, जिससे उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसको मम्स कहते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। किस कैटेगरी में रख सकते हैं सर हम, यू बैक्टीरिया, रिट्रो वायरस? ये सब यू वायरस है, मैक्सिमम यू वायरस है, जो एक्सेप्शन थे वो मैंने बता दिया आपको, HIV वो एक्सेप्शन है, ठीक है, वरना आप ये मान लीजिए कि 99.9% यू वायरस से हमें बीमार करते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके, तो होप सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? यस, नो डाउट। चलो ठीक है फिर, आए नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम बेटा, वेलकम बेटा, बाय बाय, बाय सर, बाय सर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।